फ्रेंड्स वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 23 फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 23 फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स हमारे 22 टेस्ट आ चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आपने नहीं लगाया है फ्रेंड, अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं और सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स ये सभी टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं तो किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स को निकालने में आपको आसानी होगी फ्रेंड्स। आप निश्चित ही फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने फ्रेंड्स इन टेस्ट सीरीज में वो सारे क्वेश्चंस का समावेश किया है जो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग, सीएचओ, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, स्टाफ नर्स, एनसीएल स्टाफ नर्स, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, राजस्थान सीएचओ, बीएससी नर्सिंग फ्रेंड्स ऑल एग्जाम, एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स, ईएसआईसी, वीएपीएम, एमपीपीबी, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं सॉल्व किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे क्वेश्चन या सारे टेस्ट सीरीज को फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। आने वाली परीक्षाओं में आपको फ्रेंड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन पे दिया गया है फ्रेंड्स, गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, पुअर मैंस मीट किसे कहते हैं फ्रेंड्स, गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अपना आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आने वाली परीक्षाएँ क्या होंगी, ऑनलाइन होंगी, इसलिए आप अपना आंसर ज़रूर बताएँ। गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स सी, दाल को कहते हैं। किसको, दाल को, दाल मीन्स फ्रेंड्स पल्सेज को कहते हैं। किसको, पल्सेज को कहते हैं। ये फ्रेंड्स गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है फ्रेंड्स से। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड, जो पुअर पर्सन होते हैं या गरीब लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होता है फ्रेंड्स, मीट इट नहीं खा पाते या उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता, वो मीट से जो लोग नहीं ले पाते तो उनके लिए क्या होता है, दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए गरीब व्यक्ति का जो मीट कहते हैं फ्रेंड्स वो किसे कहते हैं, पल्सेज को या दाल को। ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर है हमारा टू। क्वेश्चन नंबर टू पर दिया गया है, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया था फ्रेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मिड डे मील हिंदी में कहेंगे फ्रेंड मध्यान्ह जो भोजन स्कूलों में दिया जाता था फ्रेंड, वो कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, वो प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड लास्ट में अपना स्कोर भी बताएं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए फ्रेंड्स। मिड डे मील कार्यक्रम या प्रोग्राम कब शुरू किया गया था फ्रेंड, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका फ्रेंड ए, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन है इसका ए, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई फ्रेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट को इस पर चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 15 अगस्त 1995 को फ्रेंड्स। इस योजना को फ्रेंड्स मध्यमान स्कूल भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स प्राइमरी क्लास के, उनको क्या होता है फ्रेंड्स दोपहर में फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाता है, और ये इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन पे इसको कवर कर रहे हैं, ताकि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी आएँ और फ्रेंड्स बच्चों का हेल्थ भी अच्छा रहे। क्वेश्चन नंबर थ्री पे देखते हैं फ्रेंड्स, मिड डे मील प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, आप उद्देश्य दे सकते हैं, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, अपना आंसर बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी, और लास्ट में अपना स्कोर बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए फ्रेंड्स। मिड डे मील प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना, ये भी सही है, स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना फ्रेंड, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या स्कूल में बहुत ज़्यादा नागा करते हैं, एब्सेंट रहते हैं, उसको रोकना फ्रेंड, बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि करना, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन है इसका डी। ऑप्शन क्या है इसका डी, मिड डे मील जो प्रोग्राम है फ्रेंड उसका उद्देश्य है प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन है फ्रेंड उसको क्या करना है फ्रेंड, ग्लोबलाइजेशन करना या उसको बढ़ावा देना, और जो स्कूल में बच्चे फ्रेंड एब्सेंट होते रहते हैं उसको रोकना, और बच्चों की जो फ्रेंड पोषण स्थिति है फ्रेंड्स न्यूट्रिशन पोजिशन से उसको क्या करना है, इंक्रीज करना फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड, क्वेश्चन है फोर नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं और अभी भी चल रही हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड कई एग्जाम्स में, नर्सिंग एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। भारत में मनरेगा योजना कब प्रारंभ की गई थी फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर, आप अपना आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा
ऑप्शन इसका ए। 2 फरवरी 2006 को फ्रेंड्स भारत में मनरेगा योजना का प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका ए फ्रेंड्स। 2 फरवरी 2006 को फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से मनरेगा की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मनरेगा जो योजना की शुरुआत हुई थी फ्रेंड 2 फरवरी 2006 को हुई थी फ्रेंड्स, और ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से इसकी शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स। इस पे होता क्या है फ्रेंड्स, इस पे कम कीमत में फ्रेंड्स उनको 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, जो पर्सन गरीब होते हैं या गांव में रहते हैं और उनसे फ्रेंड इसके बदले उन्हें पैसे दिए जाते हैं फ्रेंड्स, और उनको कम से कम 100 दिन का कार्य दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है फ्रेंड ताकि गांव से होने वाले पलायन को रोका जाए। पलायन का मतलब ये होता है जो लोग फ्रेंड्स शहर में चले जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनको रोका जाए, उनको गांव में ही काम दिया जाए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। प्लेग निम्न में से किसके माध्यम से फैलता है फ्रेंड्स, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा। आप देख सकते हैं ए बी सी डी में क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड। ऑप्शन है इसका बी, बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। प्लेग जो होता है फ्रेंड्स वो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं आप, जल्दी से अपना आंसर बताएं फ्रेंड। एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन निम्न में से कौन सी है फ्रेंड्स, कमेंट करें जल्दी से अपना आंसर क्या है फ्रेंड। ऑप्शन इसका ए पोलियो ओरल फ्रेंड, पोलियो वायरल को फ्रेंड्स एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, इसे लाइव वैक्सीन भी कहते हैं फ्रेंड पोलियो ओरल। और फ्रेंड नीचे ऑप्शन में लिखा है पोलियो शॉक फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं है फ्रेंड, ये किल्ड वैक्सीन है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है फ्रेंड्स। आपका आगे सारा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इसलिए हमने लास्ट में इनको सारे क्लियर कर देंगे फ्रेंड्स क्या होता है। पोलियो ओरल इज अ एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हैं और अपना सा आंसर बता दें। इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन निम्न से कौन सी है फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं ऑप्शन अपना इसी को फ्रेंड। यहाँ पर इनएक्टिवेटेड की जगह फ्रेंड किल्ड वैक्सीन भी आ जाता है, क्या आता है किल्ड वैक्सीन, तो आप कन्फ्यूज ना हो। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड बी पोलियो शॉक। पोलियो जो शॉक होता है फ्रेंड पोलियो शॉक ये क्या है, इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है, या यूं कहें ये किल्ड वैक्सीन है फ्रेंड्स, किल्ड वायरल वैक्सीन है फ्रेंड्स। अभी जो ऊपर मैंने पढ़ा था फ्रेंड्स वो था पोलियो ओरल, पोलियो ओरल क्या है फ्रेंड लाइव वैक्सीन है, एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन है फ्रेंड्स। और जो ये पोलियो शॉक है फ्रेंड्स ये क्या है, किल्ड वैक्सीन कहें या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहें, इसलिए ऑप्शन इसका बी है फ्रेंड्स। कन्फ्यूजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। पोलियो शॉक इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किस पैटर्न से एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जितने अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भविष्य में ज़्यादा आने की संभावना है। निम्न में से एटेन्यूएटेड लाइव वायरल वैक्सीन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सी है फ्रेंड्स, क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर फ्रेंड। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स सी रूबेला। रूबेला क्या है फ्रेंड, लाइव वायरल वैक्सीन है, एटेन्यूएटेड लाइव वायरल वैक्सीन है फ्रेंड। ऑप्शन क्या है इसका, सी है फ्रेंड्स। आप इसे फ्रेंड इंग्लिश में ही कंफर्म करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में आप इसे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिंदी इसका ट्रांसलेशन दिया जाता है। रेबीज इज यहाँ पर फ्रेंड एटेन्यूएटेड लिख लेना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर आप लाइव वैक्सीन है, क्या है लाइव वैक्सीन है फ्रेंड, लाइव वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 9 पे फ्रेंड देखते हैं, निम्न में से एटेन्यूएटेड लाइव वायरल वैक्सीन नहीं है फ्रेंड्स, कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, अपना आंसर बताएं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जल्दी से। हो सकता है फ्रेंड ये क्वेश्चन आपके लिए नए हो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, और ये आपका सिलेबस भी है। क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड, ऑप्शन इसका डी जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस का फ्रेंड ये लाइव वायरल वैक्सीन नहीं है, बाकी जो सारे दिए गए हैं फ्रेंड्स ये क्या है, ए से ए बी सी, ये क्या है एटेन्यूएटेड लाइव वायरल वैक्सीन है फ्रेंड, लाइव
वायरल वैक्सीन है, लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या है, ये किल्ड वैक्सीन है या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है फ्रेंड्स। देख सकते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस इज नॉट एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन, इट इज अ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फ्रेंड, या यूं कहें किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं स्क्रीन पे आप, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, कमेंट करें फ्रेंड जल्दी से अपना आंसर। इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन सी, BCG वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी होती है फ्रेंड, BCG, बेसिलस कैल्मिट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, बेसिली कैल्मिटी ग्यूरिन, ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आप ध्यान दें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 एंटेरिक फीवर के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड, एंटेरिक फीवर के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड, दी जाती है, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑप्शन इसके क्या होंगे आंसर, ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स बी, ऑप्शन इसका बी, TAB वैक्सीन दी जाती है, कौन सी, TAB वैक्सीन दी जाती है, ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी आपके लिए, TAB वैक्सीनेशन फॉर एंटेरिक फीवर के लिए दी जाती है फ्रेंड, TAB वैक्सीनेशन फॉर एंटेरिक फीवर। आगे चल कर आपके सर फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स, आप बने रहे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया है, पोलियो मेलेटिस मेलेटिस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स, आप पढ़ लें थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, थोड़ा देख सकते हैं आप इसे, या यूं कहें पोलियो के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स, पोलियो माइलेटिस, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी, साल्क वैक्सीन दी जाती है, कौन सी, साल्क, ऑप्शन इसका सी, साल्क वैक्सीन फॉर दी पोलियो माइलेटिस के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर पे देख सकते हैं टिटनेस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स, कौन सी दी जाती है, आप अपना आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन इसका फ्रेंड सी, टेटनेस टॉक्साइड फ्रेंड के किसके लिए, टिटनेस के लिए दी जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका सी फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए फ्रेंड्स, इग्नोर ना करें, ये सारे वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, टिटनेस टॉक्साइड फॉर दी टिटनेस के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया डिप्थीरिया के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए जो फ्रेंड टीका लगाया जाता है वो कौन सा लगाया जाता है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, आप अपना आंसर बता सकते हैं, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड, ऑप्शन इसका सी, टॉक्साइड वैक्सीन दी जाती है, कौन सी, टॉक्साइड वैक्सीन दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए जो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, टॉक्साइड वैक्सीन, ऑप्शन इसका सी, टॉक्साइड वैक्सीन फॉर डिप्थीरिया किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए दी जाती है, आप पढ़ लिया करें फ्रेंड नीचे भी थोड़ा डिटेल्स भी, टॉक्साइड वैक्सीन किसके लिए दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 15 अपना आंसर बताएं फ्रेंड जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेबीज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड, रेबीज के लिए कभी कभी फ्रेंड यहाँ पर लिख के आता है हाइड्रोफोबिया के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, किसके लिए, हाइड्रोफोबिया के लिए, तो आप ध्यान रखें रेबीज या हाइड्रोफोबिया दोनों में से कोई भी है तो क्या आंसर देना है फ्रेंड, ऑप्शन होगा इसका सी, रेबीपुर या रेबीपुर एंड HDC का टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स जब रेबीज वायरस हो जाता है फ्रेंड, तो यह किसके काटने से होता है फ्रेंड, कुत्ते या भेड़िया या बिल्ली के काटने से रेबीज वायरस बॉडी में इंजेक्ट कर जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या है इसका सी, रेबीज के लिए रेबीपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सही है, रेबीपुर एंड HDC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 16, काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स, या कौन सी वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी, डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस फ्रेंड, तो
तो जो पर्टिटिस पर्टिटिस होता है फ्रेंड, उसका मतलब क्या होता है? काली खांसी। क्या कहते हैं? काली खांसी। काली खांसी को फ्रेंड्स हिंदी में पूछा जाता है कभी कभी, कुकुर खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया था, उसका मतलब भी यही होगा, DPT। काली खांसी को ही क्या कहते हैं? कुकुर खांसी भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वोपिंग कप कहते हैं। और क्या कहते हैं? पर्टिसिस कहते हैं। क्या? पर्टिसिस, क्योंकि लास्ट जो फ्रेंड पी है, पी का मतलब क्या होता है DPT में? DPT में पी का जो मतलब होता है फ्रेंड वो पर्टिसिस होता है, और इसे वूफिंग कप भी कहते हैं, और काली खांसी भी कहते हैं, कुकुर खांसी भी कहते हैं फ्रेंड। कन्फ्यूज नहीं, ये सारे वर्ड एक ही हैं फ्रेंड्स। DPT वैक्सीन यूज फॉर काली खांसी या कुकुर खांसी या वूफिंग कप या पर्टिसिस, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया गया है, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड। क्वेश्चन इस तरह पूछा गया एग्जाम में, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड, क्या होगा आंसर इसका? कमेंट करें जल्दी से अपना आंसर। ऑप्शन इसका ए, DPT का टीका लगाया, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी के लिए DPT का टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड, DPT वैक्सीन यूज फॉर डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टिसिस। डिप्थीरिया के लिए, टिटनेस के लिए, पर्टिसिस को फ्रेंड्स कई बार इसको डाइवर्ट करके लिखते हैं, काली खांसी, कुकुर खांसी, वूफकिंग पर कन्फ्यूजन हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे दिया गया है, खसरा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स, खसरा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, देख सकते हैं फ्रेंड क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका सी, MMR का फ्रेंड्स, खसरा के लिए MMR का टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स। ये कंबाइंड टीका होता है फ्रेंड, इसमें तीन तीन डिसीज कवर होती हैं, अभी बताएंगे हम आपको आगे चल के। MMR इज यूज फॉर मीजलेस। मीजलेस मीन्स क्या होता है फ्रेंड? खसरा होता है, मीजलेस के लिए यूज किया जाता है, या मीजलेस के लिए भी आ जाता है ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं फ्रेंड, क्या होगा आंसर इसका? गलसुआ, खसरा, रुबेला के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन इसका बी, MMR का, गलसुआ, खसरा, रुबेला के लिए MMR का टीका लगाया जाता है, या यूं कहें मम्स मीजलेस रुबेला, मम्स मीजलेस रुबेला, ये फ्रेंड इनके फुल फॉर्म है, मम्स मीजलेस रुबेला, इनके लिए कौन सा MMR का टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स? ये कंबाइंड टीका होता है, आप देख सकते हैं, गलसुआ, खसरा, रुबेला के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है, लगाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, इसलिए हमने इनको दोनों तरह से सिलेक्ट किया है। मम्स मीजलेस रुबेला के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कमीशन में फ्रेंड्स, कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, MMR वैक्सीन दी जाती है, मम्स मीजलेस रुबेला के लिए MMR वैक्सीन दी जाती है, ऑप्शन बी है। आप अपना अभी आंसर बताएं फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा, इससे क्या होगा आपका टेंथ टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और आपको एग्जाम में हेजिटेशन नहीं होगा फ्रेंड किसी प्रकार का। मम्स मीजलेस रुबेला के लिए MMR दिया जाता है फ्रेंड्स, हिंदी भी इंग्लिश दोनों में कंफर्म कर लें फ्रेंड इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 21 नंबर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MMR की पहली खुराक कितने ML दी जाती है फ्रेंड्स, कितने ML दी जाती है फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना। ऑप्शन इसका फ्रेंड ए, 0.5 ML, कितना दिया जाता है? 0.5 ML दिया जाता है, मिलीलीटर फ्रेंड्स। MMR, मम्स मेजलेस रुबेला की जो पहली खुराक की जो ML होती है वो कितने ML होती है फ्रेंड, जो दवा दी जाती है वो होती है 0.5 ML दी जाती है, ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 22, MMR की पहली खुराक कितने महीने होने पर दी जाती है फ्रेंड, कितना महीने का जब बालक हो जाएगा तब दी जाएगी फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर इसका? कमेंट करें फ्रेंड जल्दी से, ऑप्शन इसका ए, 12 महीने से 15 महीने होने पर है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स जब कोई बच्चा बेबी फ्रेंड्स 12 महीने का हो जाता है फ्रेंड्स, तब उसे क्या होता है MMR की वैक्सीन या MMR की खुराक दी जा सकती है फ्रेंड्स, या 15 महीने होने पर भी दी जा सकती है फ्रेंड्स, लेकिन ये क्या है 12 से 15 महीने के बीच में दी जाएगी फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ऑप्शन है ए फ्रेंड्स। आप यहाँ डिटेल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। जो MMR की वैक्सीन की पहली खुराक होती है वो फ्रेंड्स 12 से 15 महीने होने पर 0.5 ML दी जाती है, कितनी? 0.5 ML दी जाती है। और फ्रेंड जो MMR की दूसरी खुराक होती है वो जीरो से सॉरी
4 से 6 वर्ष की उम्र पर दी जाती है, वो भी कितनी दी जाती है, 0.5 ml, दोनों में दी जाएगी 0.5 ml। दोनों की कंडीशन क्या है फ्रेंड, 0.5 ml दोनों में दी जाएगी, पहली खुराक दूसरी खुराक। पहली खुराक दी जाएगी 12 महीने होने पर, 12 महीने हो जाएं कंप्लीट हो जाएं फिर इसके बाद दी जा सकती है, या 12 महीने होने पर, या जिन व्यक्तियों को फ्रेंड्स फॉरेन जाना होता है उनको उनको फ्रेंड्स 12 महीने के पहले भी दिया जाता है, लेकिन क्या है जनरली आंसर पूछा जाता है एवरेज में फ्रेंड्स, तो 12 महीने होने पर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। जो बच्चे फ्रेंड्स फॉरेन से आते या जाते रहते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए फ्रेंड्स, या बहुत छोटे बच्चे, तो उनके लिए जो वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स वो 12 महीने से पहले भी दी जाती है। और दूसरी खुराक कब दी जाएगी, 4 से 6 वर्ष के बीच में, या 4 से 6 वर्ष होने पर, 4 वर्ष होने पर दे दी जाएगी, वो उसका कितना ml दी जाएगी, 0.5 ml दी जाएगी फ्रेंड्स। आप नेक्स्ट पॉइंट पर देख सकते हैं, MMR की जो वैक्सीन हर बच्चे को नहीं दी जाती है, भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसके टीके लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, डॉक्टर से सलाह फ्रेंड जरूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा फ्रेंड 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीलिया या हेपेटाइटिस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स, पीलिया या हेपेटाइटिस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी दी जाती है फ्रेंड, अपना आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ऑप्शन होगा इसका सी, हेपेटाइटिस वैक्सीन दी जाती है, कौन सी, हेपेटाइटिस वैक्सीन, पीलिया के लिए, पीलिया को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड, हेपेटाइटिस कहते हैं, इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है हेपेटाइटिस वैक्सीन दी जाती है, इसका नाम ही है फ्रेंड्स हेपेटाइटिस वैक्सीन, ऑप्शन सी पीलिया, या यहाँ पर लिख लें या हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस वैक्सीन दी जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24, अपना आंसर बता सकते हैं जल्दी से फ्रेंड, टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स, कौन सा लगाया जाता है फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, TAB का टीका लगाया था, किसका, TAB का फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड कमेंट बॉक्स में TAB का पूरा नाम बताना है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स मेमोरी तेज होगा, आपको याद भी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में TAB का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स, इससे आप फ्रेंड्स आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से आप कई चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा, और देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका पूरा नाम क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में अपने। ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, TAB वैक्सीन दी जाती है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड फ्रेंड्स फीवर होता है, इस पर TAB वैक्सीन दी जाती है। 25 नंबर पर क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, निम्न में से इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन कौन सी है फ्रेंड्स, कौन सी है बताएं अपना आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका फ्रेंड्स सी, पोलियो, IPV और हेपेटाइटिस ए, ये दोनों क्या है फ्रेंड, किल्ड या कहें या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहें फ्रेंड, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है किल्ड वैक्सीन निम्न में से कौन सी है फ्रेंड्स, तो ये दोनों किल्ड वैक्सीन है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स हमारा देख सकते हैं आप इसे स्क्रीन में, 26 नंबर पे, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन निम्न में से कौन सी है फ्रेंड्स, कौन सी है फ्रेंड्स, आप अपना आंसर बता सकते हैं क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका डी, ऑल ऑफ दिस, मम्स, मीजलिस, रूबेला, ये तीनों वैक्सीन क्या हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका डी फ्रेंड्स, ये कंप्लीट कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और पूछे गए क्वेश्चन हैं अक्सर, मम्स, मीजलिस और रूबेला, ये कंबाइंड वैक्सीन को फ्रेंड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं फ्रेंड्स, आप यहां से कंफर्म कर लें फ्रेंड, डिटेल भी देख लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 27, 27 पे दिया गया है फ्रेंड्स, कंजुगेट या कंजुगेटेड वैक्सीन इनमें से कौन सी है फ्रेंड, कौन सी है, आप अपना आंसर बता सकते हैं जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन इसका फ्रेंड सी, ऑप्शन क्या है इसका सी है, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जो इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाएगा वो कंजुगेटेड वैक्सीन होगी फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन क्या है इसका सी है, ऑप्शन है सी और ए बी दोनों सही है फ्रेंड, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन, ये कंजुगेटेड वैक्सीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंजुगेटेड या कंजुगेटेड को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सब यूनिट वैक्सीन भी कहते हैं, सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन, ये क्या है फ्रेंड्स, कंजुगेटेड या सब यूनिट वैक्सीन है, ध्यान दें फ्रेंड्स दोनों वर्ड्स पे, दोनों टर्म्स पे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में फ्रेंड्स आपको। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं आप, कौन सा टीका नवजात शिशु को जन्म के समय दिया जाता है फ्रेंड्स, कौन सा दिया जाता है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्या है ऑप्शन इसका,
आंसर है होगा इसका ए, BCG का टीका। फ्रेंड्स कौन सा टीका दिया जाता है, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है फ्रेंड्स नवजात शिशु को, BCG का। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ BCG वैक्सीन जो होती है फ्रेंड न्यू बॉर्न बेबी को दी जाती है, यहाँ पर बॉर्न लिख लिया ना फ्रेंड्स, BORN, न्यू बॉर्न बेबी को जन्म के समय दिया जाता है फ्रेंड्स BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, ये हमारे लास्ट वीडियो का फ्रेंड्स क्वेश्चन है, पिछले पिछले लेक्चर्स में टेस्ट नंबर 22 का। H5N1 वायरस निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है फ्रेंड, H5 जो N1 वायरस होता है फ्रेंड इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, ऑप्शन क्या होगा इसका, मोस्टली लोगों ने इसके सही आंसर दिए थे, ऑप्शन है इसका ए, बर्ड फ्लू हो जाती है फ्रेंड्स। H5 जो N1 से होती है फ्रेंड्स वो बर्ड फ्लू हो जाती है, और जो H1N1 से होती है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स, वो होती है स्वाइन फ्लू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। H5N1 बर्ड फ्लू, H1N1 जो वायरस का नाम है फ्रेंड्स, ये इससे H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 पे आपको बताना होगा फ्रेंड, गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगवाना अनिवार्य होता है फ्रेंड्स, कौन सा फ्रेंड्स वैक्सीन लगवाना फ्रेंड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वुमेंस को फ्रेंड्स अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताना है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम फ्रेंड डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने फ्रेंड्स हमारे सभी टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर फ्रेंड्स सभी हमारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे वैक्सीन से रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।